वेलकम टू मोहम्मद शुभली इंफॉर्मेटिव चैनल। आज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची आ चुके हैं वापस और अपने शेड की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ जो है यहाँ पे सफाई वगैरह दीगर काम भी करवाना है। तो अभी जावा की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं कि क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, क्या सिलसिला रहा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को बिला ताखिर शुरू करते हैं। माशाल्लाह वाइट जावा का पेयर हम छोड़ के गए थे और इसमें देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है इसमें। इसने हल्की फुल्की नेस्टिंग स्टार्ट करी है और गीली बहुत हो रही है क्योंकि हमने नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया था। तो आज मैं नेस्टिंग मटेरियल भी लाएँ प्रोवाइड करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये पेयर जो है माशाल्लाह ब्रीड कर जाएगा। ये बच्चे छोटे थे जब हम छोड़ के गए थे, माशाल्लाह इस पेयर ने 6 बच्चे निकाले और एक बच्चा जो है सिल्वर का निकला है। आई थिंक ये स्प्लिट होगा सिल्वर का, जब भी इसने एक सिल्वर का बच्चा निकाला है और 5 ग्रे के हैं। तो ये बच्चा किसी और पेयर का मैंने मूव किया था, वो भी ग्रे का ही था पूरा पेयर, वो पेयर भी आपको दिखाता हूँ। तो उसका ये जो है बच्चा माशाल्लाह निकला, तो ये माशाल्लाह हेल्दी है। ये सेल्फ नहीं हुए बच्चे, मैंने मट्टी अभी उतार दी है क्योंकि मट्टी बहुत गंदी हो गई थी, 2-3 ब्रीड इसमें कर चुका था ये पेयर। तो अब जो है मट्टी इसको साफ़ करके देते हैं और नेस्टिंग मटेरियल देते हैं। लूसन वगैरह हमने डाल दी है और जो है शुरू। ये सिल्वर जावा का माशाल्लाह एक पेयर है, फर्स्ट ब्रीड का पेयर था, उसको देखते हैं कि इसने क्या किया है। हल्की फुल्की इसने नेस्टिंग जमा करी है क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल था नहीं, जो उसको मिला इसने कर दिया। अब इंशाल्लाह इसको नेस्टिंग मटेरियल देंगे तो ये नेस्टिंग शुरू कर देगा। इसके अलावा माशाल्लाह एक और ये सिल्वर जावा का पेयर है, बिल्कुल तैयार पेयर है ये। हल्की यानी जो मिला था उन्होंने नेस्टिंग की शुरू करी है। अब अच्छा नेस्टिंग मटेरियल घास वगैरह इसको प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी नेस्टिंग कर जाएगा। इसके अलावा एक ये पेयर ग्रे का मौजूद है, इसने कोई नेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी तो ये भी इंशाल्लाह कर जाएगा। अभी इसको प्रोवाइड करता है नेस्टिंग मटेरियल। दूसरी तरफ ले चलता है, माशाल्लाह सिल्वर का प्यार है। इसके बच्चे निकले हुए थे, 2 ही बच्चे इसने निकाले थे। इसके माशाल्लाह बच्चे सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार हो रहे हैं। ये ग्रे का प्यार है, इसने माशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड करी है हमारे पास। इसके अभी बच्चे निकलना शुरू हुए हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा ये पेयर था जिसने सिल्वर बच्चा निकाला, इसने एक ही बच्चा निकाला था, मैंने दूसरे पेयर में मूव कर दिया ताकि ये ब्रीड कर जाए। तो खैर वो बच्चा भी तैयार हो गया और माशाल्लाह इसने कंप्लीट 6 अंडे दे दिए हैं और माशाल्लाह सारी फर्टाइल में ये नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इसमें कितने सिल्वर और कितने ग्रे निकालता है। ये एक वाइट का पेयर है, इसने भी जैसे तैसे नेस्टिंग जमा कर ली है। अब इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तरीके से देंगे नेस्टिंग। अब जो जैसे हो गया वो हो गया, अब इंशाल्लाह आप सही तरीके से इसको कवर करेंगे। ये 3 पीस छोड़े हुए थे, एक फ़ीमेल 2 मेल, इनको अभी तैयार होने देते हैं। जब कोई एक फ़ीमेल का इंतज़ाम हो जाता है तो वो भी कर लेंगे, फिर इनको इंशाल्लाह लगा देंगे। तो ये कुल मिला के यही पेयर थे जावा के, तो उन्होंने शुरू कर दी है कारकर्दगी। आप पीछे देख सकते हैं ये जो पेयर है इसने माशाल्लाह अच्छे बच्चे निकाले हैं और ये भी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो फिर देखते हैं कि इसको सेल करना है या रखना है अपने पास। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह आप लोगों ने जो जो सवाल पूछे थे वो भी जवाब क्लियर करते हैं। एक जवाब मैं क्लियर कर देता हूँ, अक्सर लोग जावा का पूछते हैं। तो देखें जावा में मैं जो है लूसन देता हूँ और चावल उबले हुए दे देता हूँ। एग ब्रेड वगैरह जो है ना मैं दे नहीं पाता, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, कभी कभार दे देता हूँ, वैसे अमूमन नहीं देता। तो माशाल्लाह इस पर भी ब्रीड कर जाता है। लूसन ज़रूरी है हर बर्ड के लिए और दाने में मैं इसको 3-4 चीज़ें देता हूँ, बाजरा, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी और अलसी। ये 4-5 आइटम सारे इक्वल होते हैं तो वो फीड हम यूज़ करते हैं, सॉफ्ट फूड में ये यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई मज़ीद सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में दे दिएगा तो आपको इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।